Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to another vlog. So let's live today's moments. I'm here in Karam Chashma right now. It's 6 a.m. right now and the third day of Ramzan. Abhi namaz padh ke main wapas aa raha tha masjid se. To maine kaha ki ye jo view aa raha hai subah subah yahan par isko zara banate hain vlog iska. Ye samne mountain par aap dekh rahe hain. Bada hi zabardast snow yahan par pada hua hai. और ये बहुत ही कम देखने को मिलता है क्योंकि पिछले कुछ सालों से बर्फबारी नहीं हो रही थी. एंड इट्स लुकिंग गुड नाउ. फ्रेश एयर, सुबह का टाइम, परिंदों की आवाज़ें और सामने ये सीन. तो मैं इंजॉय करने के लिए बाहर निकला हूँ एंड इट्स रियली गुड. ठंड भी लग रहा है लेकिन इस सीन के सामने ठंड इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा. इट्स टाइम ऑफ डॉन एंड यू कैन चेक द सीन्स हियर. अमेजिंग ब्रो, ज़बरदस्त सीन है यार, ज़बरदस्त. बहुत ही मज़ा आ रहा है यार. सो कल मैं और हसीब बैठ कर के कुछ डिस्कशन कर रहे थे एंड हमने डिसाइड किया है कि आज हम लोग जा रहे हैं वॉक पर. तो मैंने गर्मियों के टाइम पे बहुत वॉक किया है गर्म चश्मा में, लेकिन सर्दियों में और इस मौसम में मैंने कभी वॉक नहीं किया है और ऊपर से रोज़ा भी है. सो हम आज देखना चाहते हैं कि हमें कितना स्टेमिना है. सो दोपहर के बाद हम एक लॉन्ग वॉक पर जा रहे हैं और वहाँ भी मैं आपको सीन दिखाऊँगा कि यहाँ पर आगे जा कर के इस तरह के सीन बने. तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ब्यूटीफुल जगह है. तो सीन्स बहुत ही यहाँ पर ब्यूटीफुल हैं गर्म चश्मा में. बहुत ही ज़बरदस्त सीन देखने को मिलेंगे. इट्स लुकिंग ग्रेट ब्रो. सो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हर इंसान की अपनी एक परसेप्शन होती है. हर किसी की आंखों में ब्यूटी अलग होती है. तो मैं जिस तरह से वर्ल्ड को परस्यू करता हूँ बस वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. हो सकता है आप लोगों का परसेप्शन अलग हो. तो इस चैनल को खोलने का रीज़न यही है कि आपके साथ मैं शेयर करूं जो भी मेरे माइंड में चलता है और जिस तरह मैं दुनिया को देखता हूं. ये देखो भाई, फ़्लाइट आना स्टार्ट हो गया. तो मुझे तो आज ऐसे फील हो रहा है कि बहुत ही ज़बरदस्त वॉक होने वाली है आज. तो दोपहर को मिलते हैं फिर. सो हम वॉक पर निकले हैं अभी और ये एरिया का नाम है गजल. देखो यहाँ पर भी सारा बर्फ बर्फ पड़ा वो रहा गजल का पुल. कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे हैं और यहाँ ऊपर भी स्नो पड़ा है. अभी जाते हैं आगे रोड से और देखते हैं. आगे भी मेरे ख्याल से काफ़ी स्नो पड़ा होगा. मैं अपना फर्स्ट व्लॉग इसी गांव में शूट किया था वो. सो दिस इज़ ए कासल. यहाँ सामने किला है. यहाँ भी फिर किसी दिन टाइम निकाल करके जाएंगे लेकिन फ़िलहाल तो हम वॉक पे ही जा रहे हैं. ये भी काफ़ी खूबसूरत जगह है तो किसी दिन इसको भी विज़िट करेंगे. ये हसीब भी आया मेरे साथ. हम दोनों वॉक पे आए. ये देखो भाई, यहाँ पर आपको डक दिखाई दे रहे हैं. छोटा सा उनके लिए पूल टाइप बना है यहाँ पर. इस एरिया का नाम द्रोश पे द्रोश. और ये देखें यहाँ पर भी ग्लेशियर आया. ये स्नो सारा गिरा यहाँ से भी. ये देखें बड़े बड़े माउंटेन यहाँ से दिख रहे हैं और इस साइड पे भी माउंटेन है. ये बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पर. इट्स क्वाइट अमेजिंग और हमें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ शेयर करके. बिल्कुल नहीं लग रहा कि कोई रमजान में हम घूम रहे हैं यहाँ पर. ना कोई भूख लग रही है ना कोई प्यास लग रही है, बस गपशप लगाते लगाते. अभी आगे और जाएंगे और आपको मैं आपको भी दिखाऊंगा. बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर व्यू देखने को मिला. लुक एट दैट. देखो भाई यहाँ पर ज़बरदस्त लेक बना हुआ है. ये डक्स के शिकार के लिए होता है. वो जो नकली डक वहाँ पर पड़े हैं देखें, ये नकली डक यहाँ पर पड़े हुए हैं और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक तकरीबन, हाँ यहाँ तक जगह है कि मैं आपको सही से मैं दिखाता हूँ. यहाँ तक ये जगह है. वो बंदे यहाँ पर काम भी कर रहे हैं. बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और स्नो के साथ तो इसका सीन बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है यार. वेरी गुड. तो अभी हमने जहाँ आना था वहाँ हम लोग पहुँच गए. ये जो पुल है यहाँ आ रहे थे हम चल करके. बहुत ही शॉर्ट सफ़र है, बहुत ही कम. मुझे तो लग रहा था कि बहुत ही लंबा सफ़र होगा. और असीफ ये ज़रा दिखाओ, इसके सामने ही देखो ग्लेशियर आ करके ये गिरा है यहाँ पर. लेकिन अभी तो इसको साफ कर दिया है. ये पत्थर के ऊपर चढ़ के इसको देखते हैं, काफी मजा आएगा.
यहां से देखें आपको क्लियर व्यू दिखाई देगा, जबरदस्त यार, क्या ह्यूज माउंटेन्स है। वैसे पानी आज काफी वो साफ नहीं आ रहा, थोड़ा गंदा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ठीक होगा, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा जो है ना ग्लेशियर इसके अंदर गिर गए हैं, मट्टी वट्टी लगे, इसलिए ये पानी इस तरह हुआ है। तो यहाँ हम थोड़ा बैठेंगे, गपशप लगाएंगे और उसके बाद फिर जाएंगे घर की तरफ वापस। तो ये बंदा यहाँ पर ये जगह साफ कर रहा है, मेरे ख्याल में और ग्लेशियर गिरा है यहाँ पर, और फिलहाल तो इसने रास्ता दिया है यहाँ पर गाड़ियों को, तो गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रहे हैं अभी, ये 4x4 यहाँ से गुजर रहा है अभी, और पीछे एक दो गाड़ियाँ और भी हैं। निकल गया आराम से ही, निकल गया। सो राइट नाउ वी आर गोइंग बैक टूवर्ड होम। बड़ा ही जबरदस्त इस तरह लग रहा है कि बस चलते जाएं, कोई थकन महसूस नहीं हो रही और कोई ठंड भी नहीं लग रही, और सूरज का भी इस तरह ऐसे कि इंटेंसिटी मतलब कि इतनी ज़्यादा गर्म नहीं है, ये जो ठंड है ना बर्फ की, इसके साथ बिल्कुल ये बैलेंस में आ गया, एनर्जी बिल्कुल ज़बरदस्त है अभी तक। तो अभी एक और इतना चल सकते हैं या इससे भी ज्यादा चल सकते हैं, अभी 3 बज गए, आप लोग भी इंजॉय करें हमारे साथ। ये देखें ग्लेशियर्स यहाँ पर, रिवर बह रहा है, जबरदस्त पुल यहाँ पर बना है, क्या जबरदस्त सीन है, द ह्यूज माउंटेन्स ओवर हियर। तो इंजॉय कर रहे हैं, व्लॉग भी मैं बना रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय करें घर बैठे बैठे। सो दिस इज द ब्रिज, और यहाँ से ही गुजर करके फिर गरम चश्मा में आप इंटर होते हैं, सो इट्स क्वाइट नाइस। और यहाँ पर थंबनेल के लिए, अजीब थंबनेल के लिए इधर ही कोई पिक्चर निकालेंगे, ये इस साइड में निकालेंगे, वहाँ से निकालेंगे, वहाँ से ठीक होगा, ठीक है ना, ये ग्लेशियर भी आएगा पीछे थंबनेल के लिए। चलें तो निकाल दें थंबनेल, क्रॉस करते हैं ब्रिज को अभी, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस व्लॉग, आई होप यू एंजॉय द व्लॉग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें और लिंक पर क्लिक करके पूरी वीडियो को देखकर यूट्यूब में भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल द नेक्स्ट व्लॉग, मेक श्योर टू लिव योर लाइफ मूवमेंट्स एंड टेक केयर।